तो फाइनली अभी हम लोग 1.5 घंटा के बाद पहुंच चुके हैं बरौनी जंक्शन के पास में, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोगों का ट्रेन छूटने ही वाला था, लेकिन दौड़ते दौड़ते फाइनली पकड़ लिए और ये ट्रेन खुल गया चुका है यहाँ से 8:42 में। अभी हम लोग समस्तीपुर जंक्शन पर है, देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आज समस्तीपुर जंक्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में अपना यात्रा होने वाला है समस्तीपुर से लेकर बरौनी तक का। अभी हम लोग डायरेक्ट ट्रेन में आके वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि लेट हो चुका था, इसलिए जल्दी जल्दी आए हैं और ट्रेन से ही स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाकी आज की इस वीडियो में अपना यात्रा होने वाला है समस्तीपुर जंक्शन से बरौनी के बीच में। तो चलिए जर्नी को दिखाते हैं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो अपनी ट्रेन की बात करें तो अपना ट्रेन है, ट्रेन संख्या है 152/28 और ट्रेन का नाम है SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस, जो कि मुजफ्फरपुर से बेंगलुरु तक बेंगलोर तक जाएगा। और अभी हम लोग समस्तीपुर जंक्शन पर है, देख सकते हैं। और ये ट्रेन डायरेक्ट बीच में कहीं स्टॉप नहीं, डायरेक्ट बरौनी पर ही रुकेगा। समस्तीपुर से खुला है 8:42 में, इसके बाद बरौनी जंक्शन पर डायरेक्ट रुकेगा, बीच में कहीं स्टॉप नहीं है। हाँ, और आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी में ट्रेन में आए हैं तो टिकट लिए बिना आ गए या टिकट लेकर, तो देख सकते हैं टिकट ले चुके हैं समस्तीपुर टू बरौनी, जिसका 70 रुपया लगा है और हम लोग 2 आदमी हैं इसलिए 70, यानी कि 1 आदमी का 35 रुपया। और यहाँ पर हम हैं और हमारे साथ सुभाष जी भी हैं, हम दोनों आदमी जाने वाले बरौनी। बरौनी नहीं जाना है, बरौनी के आगे जाना है सिमरिया धाम, इनको स्नान करना है वहाँ पर, गंगा स्नान। इसलिए समस्तीपुर से बरौनी जाने के लिए डेली बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। और बात करें दूरी डिस्टेंस के बारे में, तो समस्तीपुर से बरौनी के बीच का डिस्टेंस है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास और यहां से आपको 10-15 ट्रेनें रोज दिन मिल जाएंगी। और प्राइस की बात करें तो 15 रुपया 30 रुपया अलग अलग प्रकार से है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बछवाड़ा जंक्शन पर, देख सकते हैं इस प्रकार से है। और अभी टाइम हो रहा है 9:15। आठ बज के 42 मिनट में समस्तीपुर से चले थे और अभी हो चुका है 9:32 और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तेघरा जंक्शन के पास में। अभी यहां पर गाड़ी रुका हुआ, यहां पर स्टेशन इसका नहीं है रुकने का। तो फाइनली अभी हम लोग 1.5 घंटा के बाद पहुंच चुके हैं बरौनी जंक्शन के पास में, देख सकते हैं। अब यहां से उतरेंगे और जाएंगे सिमरिया धाम। और कुछ इस प्रकार का दृश्य है बरौनी जंक्शन का, प्लेटफॉर्म का।